आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच योगासन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पूरे शरीर में जमा चर्बी को बहुत ही आसानी के साथ कम कर सकते हैं और इन पांच आसन से आपकी पेट की चर्बी तेज़ी के साथ कम होती है और इसके साथ ही साथ आपको अपने खान पान में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे पहले आसन का नाम है तिकोड़ा आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तिकोड़ा आसन को करने के लिए हमें इस तरह से सीधा खड़ा होना पड़ेगा और अब आपको अपने दोनों पैर को आपको फैला लेना है, इस तरह फैला लेना है आपको। और अब आपको अपने पहले पैर के पंजे को इस तरह से मोड़ लेना है आपको इस साइड में। और अब आपको अपने दोनों हाथों को आपको इस तरह से ऊपर करना है और अब आपको अपने हाथ को जमीन टच कराना है, इस तरह से टच कराना है आपको। और अपने सिर को आपको ऊपर को करना है और अपने पंजे को देखना है आपको इस तरह से। और उसी पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकेंड तक रुके रहना है, फिर वापस आना है आपको। और जब भी आप पहली बार करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा अपने हाथ को जमीन को टच नहीं करा पाते हैं, तो आपको इस तरह करना है आपको। अपने हाथ को आपको पैर के ऊपर रखना है और इस तरह करना है आपको। और उसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड रुके रहना है और जब आप इस तरह करेंगे तब आप अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे को टच करा पाएंगे इस तरह से। वापस आना है आपको और इसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी करना है आपको। और इसी तरह से आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 12 रेप्स करने हैं आपको। अब हमारे दूसरे आसन का नाम है उत्कट कोड़ा आसन। इसे करने के लिए आपको इस तरह से सीधा खड़ा होना पड़ेगा और अपने पैरों को आपको फैला लेना है और आपको अपने दोनों पंजे को आपको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से करना है आपको। और अपने हाथ को आपको ऊपर करना है इस तरह करना है। और अब आपको नीचे को झुकना है इस तरह से और अपने हाथ को भी नीचे को लाना है आपको इस तरह से और इस तरह करना है आपको। और आपको ध्यान देना है कि आपका पीठ सीधा रहना चाहिए, इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए आपका। आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है और इसी पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकेंड तक रुके रहना है आपको। आपको इस तरह करना है आपको, फिर वापस आना है आपको, फिर इसी तरह करना है आपको। और इसी तरह से आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 12 रेप्स करने हैं आपको। अब हमारे तीसरे आसन का नाम है उठित पार्श्व कोण आसन। इसे करने के लिए आपको इसे सीधा खड़ा होना पड़ेगा और अपने पैरों को आपको फैला लेना है इस तरह फैला लेना है आपको। और अब आपको अपने दोनों हाथों को आपको इस तरह से ऊपर रखना है, इस तरह करना है आपको। और अब आपको अपने पहले पंजे को इस तरह से मोड़ना है आपको और इसके बाद आपको इस तरह करना है, इस तरह करना है आपको। और आपको ध्यान देना है कि आपका घुटना पंजे से बहुत बाहर नहीं जाना चाहिए आपका, इस तरह करना है आपको। और अब आपको इसे नीचे को झुकना है, इस तरह से अपने हाथ को जमीन को टच कराना है आपको और अपने दूसरे हाथ को इस तरह करना है आपको। और इसी पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकेंड तक रुके रहना है आपको इस तरह से, फिर वापस आना है आपको। और जब भी आप पहली बार करते हैं तब आप अपने हाथ को जमीन को टच नहीं करा पाते हैं, तो इसलिए आपको इस तरह करना है आपको। अपने हाथ को आपको पैर के ऊपर रखना है और अपने इस हाथ को आपको इस तरह करना है आपको। और इसी पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकेंड तक रुके रहना है आपको, उसके बाद वापस आना है आपको। और इसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी करना है आपको। अपने हाथ को इससे सीधा रखना है आपको,
फिर वापस आना है आपको, और इसी तरह से आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपके 12 रेप्स होने चाहिए आपको। अब हमारे चौथे आसन का नाम है परिघा आसन। इसे करने के लिए आपको इस तरह से घुटने एक बार बैठना होगा इस तरह से, और अब आपको अपने पहले पैर को आपको इस तरह करना है आपको, और अब आपको अपने पहले हाथ को आपको इस तरह नीचे को रखना है, और अपने दूसरे हाथ को आपको इस तरह से फैला लेना है, और अब आपको क्या करना है इस तरह आपको अपने हाथ के घुटने और पैर घुटने को टच कराना है, उसके बाद फिर फैला लेना है आपको इसी तरह से आपको 20 बार करना है, और इसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी करना है इस तरह से। और इसी तरह से आपको 20 बार करना है, और आपको 3 सेट करने हैं, और हर सेट में आपके 20 रैप्स करने हैं आपको। अब हमारे आखिरी और पांचवी एक्सरसाइज का नाम है सर्वासन। इसे करने के लिए आपको अपने पेट के बल लेटना होगा इस तरह से, लेट जाना है आपको, और अब आपको अपने दोनों हाथों को सीधा करना है इस तरह से, और अब आपको अपने पहले हाथ को ऊपर करना है और अपने दूसरे पैर को भी ऊपर करना है, और इसी पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकंड तक रुके रहना है, और उसके बाद धीरे से नीचे लाना है आपको, और इसी तरह से आपको दूसरे हाथ के साथ भी करना है आपको इस तरह से, और पहले पैर को ऊपर उठाना है आपको, धीरे से नीचे लाना है आपको, फिर इसी तरह से करना है आपको तो आपको इसी तरह से 3 सेट करने हैं, और हर सेट में आपके 12 रैप्स करने हैं आपको। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों।